तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो टेलीग्राम चलाना। और दोस्तों, अगर आपको टेलीग्राम में आईडी बनानी नहीं आती है, टेलीग्राम को यूज़ करना नहीं आता है, टेलीग्राम को लॉगिन नहीं करना आता है एंड उसको कैसे चलाते हैं, आज की इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप बने रहो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाले वीडियो को आप मिस न कर पाओ। तो दोस्तों, चलते हैं हमेशा की तरह अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, मैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूं। और दोस्तों, आपको टेलीग्राम पे आईडी बनाने का बिल्कुल आसान तरीका स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको यहां पे सिंपल सा अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सबसे पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे एंड दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड है तो ओपन कर लोगे डायरेक्ट। मेरे फ़ोन में डाउनलोड है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरह का आपको प्ले स्टोर में दिखेगा। तो दोस्तों, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपल सा स्टार्ट मैसेजिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों नीचे। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ दोस्तों एंड इस पर क्लिक करते ही दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा फ़ोन नंबर एंड मेरा कंट्री जो भी है ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। एंड दोस्तों, अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे सिंपल सा ये एरो पे क्लिक करोगे एंड ये एरो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल सा अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। आप अगर इंडिया से हो तो इंडिया सेलेक्ट कर लोगे एंड पाकिस्तान से हो, आपका जहाँ से हो आप यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको नीचे फोन नंबर फिल कर देना होगा। यहाँ पे मेरा फोन नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पे अपना फोन नंबर फिल कर लोगे एंड फोन नंबर फिल करने के बाद दोस्तों, आपको ये एरो पे क्लिक कर देना है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। तो दोस्तों, मैं ये एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है एंड दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सेकंड स्टेप आ जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपल सा अपना ईमेल आईडी फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल कर देता हूँ एंड दोस्तों, ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा ये एरो पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ये एरो पे क्लिक कर देता हूँ एंड ये एरो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपने जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करा है दोस्तों, वो ईमेल आईडी पे आपको 6 अंक का ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पे सिंपल सा वो ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी चेक करके उस पर से ओटीपी यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ओटीपी फिल करा। ऐसे ही आप ओटीपी फिल करोगे अपने ईमेल आईडी पे देख करके, वैसे ही आपका ऑटोमेटिक टेलीग्राम का आईडी जो है बन जाएगा जैसे ही ओटीपी फिल करोगे एंड उस पर हो सकता है आपके टेलीग्राम पे आपको कॉल आए टेलीग्राम की तरफ से, वो मिस कॉल होता है दोस्तों, उसको रिसीव नहीं करना होता है, वो आपका कॉल आएगा एंड ऑटोमेटिक कट हो जाएगा एंड जस्ट ही आपका टेलीग्राम जो है वेरीफाई हो जाएगा। एंड वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपका टेलीग्राम ओपन हो जाएगा एंड इसमें आपको टेलीग्राम आईडी बन जाएगा। एंड दोस्तों, आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से किसी भी फ्रेंड से बात कर सकते हो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल व्हाट्सअप की तरह इसको यूज़ कर सकते हो जैसे आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो दोस्तों। तो दोस्तों, बस यही था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया कि टेलीग्राम में आपको आईडी कैसे बनाना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।